Kurien, the Honourable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा को एक विशेष लाभ है जो लोकसभा को नहीं है, और वो ये है कि हम ही हमारे बीच अपनों को विदाई भी दे पाते हैं, स्वागत भी कर पाते हैं। वो सौभाग्य लोकसभा को नहीं है। और इस सदन की शुभकामनाएं यहाँ से जो निवृत्त होकर के जाते हैं, उनको निवृत्त होने के लिए नहीं, अधिक प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती है, ताकत देती है। मैं भी उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने गत 6 वर्ष दो सरकारों के साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाई, अपनी भूमिका अदा की और राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण निर्णयों में उन्होंने अपने ज्ञान का, अनुभव का और क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का लाभ हम सबको पहुंचाया। और दोनों सरकारों को आपके अनुभव का लाभ मिला है। इस सरकार को कम मिला, पुराने वाली सरकार को ज़्यादा मिला, लेकिन देश को पूर्ण रूप में आपका लाभ मिला है। यहाँ जब हम आते हैं तब हमारी अपनी एक विचारों की सीमा रहती है। यहाँ देश के हर कोने से हर प्रकार के पार्श्वभूमि के लोगों के साथ बैठने से, विचार विमर्श करने से हमारा अपना भी सोचने का दायरा बहुत विशाल हो जाता है। और एक प्रकार से सदन में आते समय हम जो थे, सदन से जाते समय हम बहुत कुछ और होते हैं। और ये जो बहुत कुछ और होते हैं वो राष्ट्र की, समाज की पूंजी बनता है। और मैं समझता हूँ कि सदन ने हमें बड़ा बनाने में, हमारे ज्ञानवर्धन में, हमारे विजन के विस्तार के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। हर साथियों ने भूमिका निभाई है। और उस महान संपुट को लेकर के हम जा रहे हैं, तो जाने के बाद भी क्षेत्र विशेष के लिए, समस्या विशेष के लिए और राष्ट्र के लिए आपका अनुभव काम आता रहेगा। मेरी आप सबको हमेशा हमेशा बहुत शुभकामनाएं रहती है और रहेगी। सदन से जाने के बाद ये सरकार आपके लिए उसी प्रकार से काम करने के लिए तत्पर रहेगी जिस प्रकार से एक सदस्य के तौर पर आपका हक बनता है। और इसलिए जाने के बाद भी जहाँ तक सरकार का मसला है, आपका वैसा ही हक बना रहेगा। और मैं भी चाहूँगा कि आप इस हक का भरपूर लाभ उठाएं और समाज की सेवा में आपकी शक्ति, योगदान मिलता रहे। कई महत्वपूर्ण निर्णयों में आपका योगदान रहा है। आप अब जब विदाई दे रहे हैं, उसी एक कालखंड का सत्र हम देखें तो महत्वपूर्ण रिफॉर्म के निर्णय आपकी मौजूदगी में, आपकी पार्टनरशिप में, आपकी इंटरवेंशन से हुए हैं। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। लेकिन मुझे हमेशा, क्योंकि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्टेट के हित वो आपकी प्राथमिकता रहनी भी चाहिए और रहती भी है, दो चीज़ों का गीला सिकवा आपके मन में जरूर रहेगा। राज्य के रूप में जब देखें तो अच्छा होता आपके रहते, आपकी मौजूदगी में दो ऐसे निर्णय होते तो जिस राज्य को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो राज्य आपके प्रति
हमेशा हमेशा गर्व अनुभव करता हूँ। एक GST, ताकि जो बिहार से यहाँ आते हैं, GST से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला था, UP को भरपूर लाभ होने वाला था, एक या दो राज्य को छोड़कर के सब राज्यों को भरपूर फायदा होने वाला था। और इस सदन में आए हुए लोगों का ये दायित्व बनता था, और ये गर्व हो कि आप अब आपको वो मौका नहीं मिला है, लेकिन आप में से जो वापस आएंगे, मुझे विश्वास है उनको ये अवसर मिलेगा, और जिस राज्य से आएंगे उस राज्य की भलाई का एक महत्वपूर्ण काम आपके हाथों से होगा जो वापस आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो मैं मानता हूँ वो है कैपम का। अगर हमने इस बार उसका निर्णय किया होता तो राज्यों को कैंपा 42,000 करोड़ रुपीस राज्यों को मिलने वाले थे, और कैंपा और करीब 1-1 राज्य को 2,000-3,000 करोड़ रुपये के आसपास पैसे मिलने वाले थे। और ये पैसे 2,000-3,000 करोड़ रुपये कम रकम नहीं होती है, ये फॉरेस्ट्री के लिए मिलने वाले थे, और ये वर्षा की सीजन में ये पैसे सर्वाधिक काम आ सकते थे। अच्छा निर्णय होना था, लेकिन शायद इस बार नहीं हो पाया, वर्षा की सीजन चली जाएगी, 4-6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये राज्यों की भलाई का सीधा सीधा काम रह गया। मैं मानता हूं कि आप जहां भी होंगे आप शुभकामनाएं देते रहिए, प्रयास करते रहिए, ताकि राज्यों को जो लाभ पहुंचाने का काम ये सदन कर सकता है वो शायद और सदन कम कर सकता है। मुझे विश्वास है कि आपकी शक्ति, आपका अनुभव इसलिए भी काम आएगा। मैं फिर एक बार हृदय की गहराई से आप सबको, जो आज निवृत्त हो रहे हैं, अधिक प्रवृत्त होने के रास्ते पर जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके सहयोग के लिए सरकार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू प्रधानमंत्री जी।